नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RD संदीप स्मार्ट जोन में स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं RD संदीप स्मार्ट जोन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको रामगढ़ ताल के पूरे नज़ारे दिखाता हूँ और वाटर पार्क का भी कुछ नज़ारे आपको दिखाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, मैं बता दूँ दोस्तों, इस तालाब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1700 एकड़ में फैला है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये तालाब गोरखपुर के अंदर स्थित है, यानी जो गोरखपुर शहर हमारे उस गोरखपुर के बीचों बीच में यह स्थित है। ये रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये एक विशाल तालाब है। गोरखपुर शहर के दक्षिण में 1700 एकड़ में फैला रामगढ़ ताल गोरखपुर का प्राकृतिक अनोखी भेंट है। इस ताल का केवल गोरखपुर स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक महत्व है। इतिहासकारों का कहना है कि इतिहासकार डॉक्टर राजमौली पांडे के मुताबिक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गोरखपुर का रामगढ़ ताल का नाम रामग्राम था। यह लोक गणराज्य स्थापित था। उन दिनों राप्ती नदी आज के रामगढ़ ताल से ही होकर गुजरती थी। बाद में राप्ती नदी की दिशा बदली तो उसके अवशेष से रामगढ़ ताल का अस्तित्व में आ गया। तो रामग्राम से ही ताल का रामगढ़ नाम मिला। तो ताल के बारे में बता दें एक बात और कि प्राचीन काल में ताल के स्थान पर एक विशाल नगर था जो कि ऋषि के शराप से फंस गया और नगर ध्वस्त हो गया और यह यहाँ पर तालाब बन गया। एक बात और बता दें कि शुरुआती दौर में इस तालाब की लंबाई 6 मील और चौड़ाई 3 मील था। तब इसका दायरा 18 वर्ग किलोमीटर था। अतिक्रमण के चलते अब यह 7 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया। लंबे समय तक इस तालाब की उपयोगिता को शहरवासी नहीं समझ पाए। ऐसे 90 के दशक में जब वीर बहादुर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रामगढ़ ताल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई, जो 1989 में उनके असामयिक निधन हो जाने के कारण आधे काम पर ही ये लटक गया। तब उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने ताल की कीमत को एक बार और फिर समझा और इसे लेकर नई योजना बनाई और उस योजना के साथ उन्होंने रामगढ़ ताल की ही पूरी नींव ही बदल दी। तो दोस्तों, ऐसे भी बता सकते हैं कि योगी सरकार ने इस रामगढ़ ताल की पूरी एकदम अच्छे से पूरी साफ सफाई और पूरी अच्छे से इसका ध्यान रखा, जिससे ये रामगढ़ ताल बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद होगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky.
need you to listen, I need you to hear, and don't show. तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।